हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टीम मैग्नेट पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर मैं आपको कार को किस तरह से ड्राइव किया जाता है उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताऊंगा कि हम लोग फ्रेंड्स कार को कैसे ड्राइव किए। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, कार ड्राइव करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस कुछ स्टेप्स होते हैं या कुछ नियम्स होते हैं। आप कार के बारे में जान लेंगे तो आप एक अच्छी खासी कार को ड्राइव कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा अगर आप पहले जान लें और उसके बाद आप ड्राइव करिए तो ठीक बेटर होगा। बट मैं इस वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा सीक्वेंस है कि आप किस तरह से गियर्स लगते हैं, किस तरह से कार चलती है, डिटेल में स्टेप बाई स्टेप करके उसके बाद आप कार को ड्राइव कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने कार को ड्राइव करने के लिए आपको बताने के लिए इस एक फील्ड मिला दिया। आप फील्ड देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, ये इस तरह का पूरा फील्ड है। तो मैंने फील्ड में कार को ला दिया है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं किस तरह से कार को ड्राइव करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलेंगे कार की ओर, कार के अंदर चलते हैं। कुछ आपको मैं बता दूं गियर्स, क्लच, ब्रेक्स के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि आप किस तरह से कार को ड्राइव कर सकते हैं। और मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको कि ये जो कार है ये डिज़ायर VXi है। तो डिज़ायर VXi मारुति की कार्स में आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर सिंपल कार्स में यही फंक्शंस होते हैं मैनुअल में। ऑटोमेटिक का जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, बट आप अगर एक बार आप मैनुअल कार चला लेंगे, ड्राइव कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक के गियर समझ आने पे उसके बाद आप ऑटोमेटिक कार भी आसानी से आप ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कार के अंदर चलते हैं और कुछ बता दें आपको हम। तो जैसा कि फ्रेंड्स कार के अंदर हम सिंपली आ चुके हैं, आप कार देख सकते हैं। तो इसमें आपको डिज़ायर VXi में आपको 5 गियर का मैनुअल मिलता है, मतलब 5 गियर्स मिलते हैं आपको मैनुअल में। इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आता है बट ऑटो वेरिएंट मैंने नहीं लिया। तो ये आप मैं बताऊँगा आपको मैनुअल किस तरह से कार ड्राइव करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस समय, तो पहले आपको दिखा दूँ यहाँ पर क्या क्या फी होते हैं। एक तो पहली बात ये क्या होता है, ये एक्सेलेरेटर होता है, मतलब ABC एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच, यानी ABC आप इस तरह से भी समझ सकते हैं आप इसको, मतलब एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच। तो ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन हो गया, मतलब रेस के लिए उपयोग किया जाता है रेस के लिए। उसके बाद आपका ये बीच वाला ब्रेक हो गया, ये उसके बाद आपका ये क्लच हो गया। तो आपने ये समझ लिया ना ABC करके। अब आइए फ्रेंड्स इधर आप देख सकते हैं आपको इसमें 5 स्पीड का मैनुअल गियर भाग। तो मैं आपको बता दूं गियर्स लगते कैसे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गियर्स लगते कैसे हैं। तो गियर लगाने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो आपका ये देखिए, ये सिंपल बना है ना, आप इसको इस तरह से करिए। पहले आपको बता दूँ अगर गाड़ी गियर्स नहीं लगी रहे तो गाड़ी जो न्यूट्रल रहेगी तो आपका गियर्स इस तरह से मूव करेगा। ये देखिए इस तरह से आप एक बार चेक कर सकते हैं हिला के, ये गाड़ी आपका इस तरह से मूव, मतलब इसमें गियर नहीं है, गाड़ी न्यूट्रल पे है। तो पहला गियर कैसे लगाएंगे हम लोग, ऐसे करेंगे और इस क्लच को प्रेस करेंगे। ये देखिए क्लच प्रेस किया और सिंपली लगा दिया, पहला गियर लग गया। बिना क्लच प्रेस करे भी आप लगा सकते हैं पर थोड़ा बहुत आता है, डिफिकल्ट होता है। तो पहला गियर लग गया, फिर आप इसको इस तरह कर दीजिए न्यूट्रल। न्यूट्रल चेक करने के लिए मैंने बताया अभी कि क्लच आप जो आपका गियर बॉक्स है पूरे से इस तरह ही लेगा। तो पहला गियर आपने समझा पहला, उसके बाद फिर दूसरा, और दूसरा इसे करेंगे ये तीसरा, और तीसरे के बाद ये चौथा, ये आपका हो गया रिवर्स, और उसके 5वां गियर इस तरह से। तो समझ गए फ्रेंड्स आप कि कैसे गियर्स लगते हैं। जैसे कि पहला गियर्स ये, उसके बाद फिर ये 5वां, इधर रिवर्स। तो गियर्स फ्रेंड्स हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से गियर्स हैं। इसके बाद इसके आपने गियर्स जान लिया, अब मैं आपको बताऊंगा कार को किस तरह से ड्राइव करेंगे। तो सिंपली हम लोग गियर के बारे में जान लिया फ्रेंड्स, मैंने आपको गियर के बारे में पूरा बता दिया कि 5 गियर किस तरह से लगते हैं। तो अब आइए हम लोग आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ, मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। तो मैंने की को इंसर्ट किया है, की इंसर्ट करने, ये देखिए गाड़ी का इग्निशन ऑन हो चुका है। इग्निशन ऑन होने के बाद अब मैं आपको बताऊँगा कार को किस तरह से ड्राइव करेंगे। तो गियर्स मैंने आपको बता दिए पहले भी किस तरह से 1 2 3 4 करके। तो अब हम लोग कार को स्टार्ट करेंगे। और कार को स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स आपको इसमें पूरा क्लच को प्रेस करना पड़ेगा। इसमें नई वाले डिज़ायर में एक नया फीचर दिया गया था कि आप बिना पूरा क्लच प्रेस किया आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी। तो ये मैंने कार स्टार्ट कर दी, आपको आवाज़ नहीं आई होगी बट RPM पे देखिए सुई चली गई, मतलब कार स्टार्ट है, कार हमारी स्टार्ट हो गई। अब हमको क्या करना है, सिंपली क्लच को प्रेस करना है पूरा। फ्रेंड्स पूरा क्लच मैंने प्रेस किया, आप देख सकते हैं क्लच मैंने पूरा प्रेस किया है और इसको मैंने एक गियर पर डाला, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स। आपको सिंपली क्लच प्रेस करना है और गियर पर डालना है। और फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, धीरे धीरे। शुरुआत में आप थोड़ा झटके छोड़ेंगे बट धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। और उसके बाद क्लच छोड़ने के बाद हल्का हल्का सा एक्सेलरेशन भी लेना है जिससे गाड़ी बंद ना हो,
जैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये देखिए कार नॉर्मली चल रही है, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कार आपकी नॉर्मली आराम से चल रही है। और मैं फ्रेंड्स रिकमेंड करूंगा, कभी भी आप कार चलाएं या सीख रहे हो तो कोई ना कोई आपके पास ऐसा होना चाहिए जो कार को ड्राइव करता जानता हो। और हाँ, फील्ड में सीखिए, कभी भी आप रोड पर ड्राइव मत करिए फ्रेंड्स। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रोड पर बिल्कुल मत ड्राइव करिएगा, नहीं तो फ्रेंड्स कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो इस तरह सिंपली देखिए आप कार, मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया है, देखिए मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया है, देखिए कार चल रही है। ये देखिए मैंने एक्सेलरेशन पैर रखूंगा, ये देखिए एक्सेलरेशन पैर रखा ना, तो किस तरह से फ्रेंड्स कार भाग रही है ना, बहुत ही आसानी से आप कार ड्राइव कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चेंज करना है गियर, इसको दबाइए, ये देखिए ऐसे करिए, ये दो गियर लग गया, और हल्का एक्सेलरेशन ले सकते हैं, दो गियर लगने पे हल्का सा एक्सेलरेशन चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी नॉर्मल हमारी कार ड्राइव हो रही है, ये देखिए। और मैं फ्रेंड्स आपको बताया ना, मैं पहले वीडियो में कहा कि कभी भी आप कार ड्राइव करें तो फ्रेंड्स आप रोड पर मत करिएगा, और एक प्रोफेशनल यानी कोई कार ड्राइव करने वाला आपका बगल में बैठा होना चाहिए, को ड्राइवर पे वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा। अगर आपको अकेले ड्राइव करना है मेरे वीडियो की मदद से तो आप फील्ड में ही आकर ड्राइव करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स पहली बार आप कार ड्राइव करेंगे तो आपसे उतना अच्छा एक्सेलरेशन और उतना अच्छा क्लच नहीं दे पाएंगे, गाड़ी बंद हो जाएगी बार बार, क्योंकि मैं तो ड्राइव कर चुका हूँ तो मुझसे नहीं होता, आदत हो गई है। तो इस तरह से कुछ आप ड्राइव कर सकते हैं फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मैं फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। देखिए किसी भी तरह आप ड्राइव कर सकते हैं, ये देखिए खूब आराम से, तीन गियर लगाना है, क्लच पूरा प्रेस करिए, ये तीन सिंपली लग गया, बट एक्सेलरेशन चाहिए फ्रेंड्स। तीन भी लगाने पर अगर आप एक्सेलरेशन नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तीन गियर लगाने के बाद अगर आप एक्सेलरेशन नहीं दिए तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने कार को अपना इधर उधर घुमा रहा हूँ, देख सकते हैं आप पूरा आसानी से फील्ड में कुछ भी। ये मैंने कार को रोकना है, पूरा क्लच प्रेस करिए, गाड़ी न्यूट्रल करिए, न्यूट्रल करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, ये हिल रहा है, हाँ गाड़ी न्यूट्रल है हमारी, हैंड ब्रेक लगाइए, उसके बाद फिर कार आप इसको अचानक से छोड़ सकते हैं, सब छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग कार किस तरह से ड्राइव करेंगे। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।